ग्वालियर में सोमवार को आदिवासी और लोधी समाज की महिलाएं क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक के निवास पर अपनी बिजली संबंधी समस्या को लेकर पहुंची थी, जहां हुए विवाद के बाद महिलाओं ने विधायक पर अभद्रता और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे और इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की थी। पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर कांग्रेस विधायक और एक अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। कांग्रेस विधायक पर FIR दर्ज होने के बाद अब इस पूरे मामले में सियासी रंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपने विधायक को लेकर बचाव की मुद्रा में है और इस घटनाक्रम को षड्यंत्र करार दे रही है, तो वहीं BJP इस पूरे मामले में कांग्रेस विधायक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। दरअसल ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मऊ पहाड़िया क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी दलित महिलाएं और कुछ पुरुष अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर ग्वालियर ग्रामीण के कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के घर पहुंचे थे। उन्होंने विधायक से चुनाव के दौरान किया गया वादा पूरा करने की गुहार लगाई थी। महिलाओं का आरोप था कि इसी बात पर विधायक जी को गुस्सा आ गया और गाली गलौज करते हुए उन्होंने आदिवासी महिलाओं से अन्य महिलाओं की लात घूसों से बुरी तरह मारपीट कर दी। इसके बाद सभी महिलाएं SP ऑफिस पहुंची और कांग्रेस विधायक के खिलाफ शिकायत की गई। अरे सर, हम मांगाए थे साहब सिंह विधायक के यहाँ, तो बात हमने DP की कही सर, तो माने DP PP की तो कुछ नहीं सुनी, मारा पीटी करी हमारी। हमने DP की कही बात, तो माने कही कि जाओ घर को, आ जाएगी DP। तो हम थोड़ी देर रुक गए शर्मा, तो माने बाकी चमचा गए सो मैं बुला लिया भीतर से, तो पहले हम मारे सर पटक पटक के सब में, अलन को मारे सर। पुलिस ने भी पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस विधायक के खिलाफ पीड़ित महिला मुन्नीबाई लोधी की शिकायत के आधार पर सोमवार देर रात तक तुरंत ही अभद्रता और मारपीट की FIR दर्ज की है। SP धर्मवीर सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस विधायक पर FIR दर्ज की गई है। वहीं कांग्रेस विधायक के PSO की तरफ से भी ग्रामीणों के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसकी पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी। कल जो यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में जो महिलाएं कुछ विधायक जी के निवास पर पहुंची थी, उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं और जो मुन्नी लोधी नामक जो पीड़िता है उसने जो आवेदन दिया है, उस आवेदन पत्र के तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया FIR दर्ज हुई है और उसमें हम लोग सारे तथ्यों को विवेचना कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक के घर पर महिलाओं से मारपीट और अभद्रता के आरोपों के बीच BJP ने कांग्रेस विधायक पर ही सवाल खड़े कर दिए। BJP का कहना है कि जनता ने एक गलत निर्णय कर लिया, जिसका खामियाजा वो भुगत रही है। BJP का कहना है कि साहब सिंह गुर्जर का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, वो इसी प्रवृत्ति के हैं, इसी तरह का व्यवहार अब भी जनता से कर रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा उजागर होता है। मेरे विचार और मेरी पार्टी के विचार ये हैं कि ये साहब सिंह गुर्जर का रिटर्न गिफ्ट है उस जनता को जिन्होंने उसे चुना, राजा बनाया। साहब सिंह गुर्जर का चाल चरित्र सबको पता है और जिस पार्टी में वो हैं उसका चाल चरित्र चेहरा सबको पता है, अराजकता। साहब सिंह गुर्जर जी का जो पास्ट है वो आज उन्होंने बता दिया कि वो कभी नहीं सुधरने वाला है। जो जनता जिन्होंने इनको राजा बनाया उनको ही पीट रहे हैं, उनकी सेवा करने के बजाय उन पर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। ये साहब सिंह गुर्जर नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति इसी मानसिकता का है जो साहब सिंह गुर्जर जी प्रदर्शित कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक पर BJP के हमलावर होने और FIR दर्ज हो जाने के बाद कांग्रेस ने भी अपने विधायक का बचाव करते हुए भाजपा पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने इस पूरी घटना को एक बड़ी साजिश करार दिया है। कांग्रेस उल्टा BJP को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में BJP की सरकार है, ऊर्जा मंत्री और BJP सांसद भी इसी क्षेत्र से हैं, लेकिन इन सबके यहाँ शिकायत करने की बजाय कांग्रेस विधायक के यहाँ सभी पहुँचे थे। कांग्रेस विधायक ने सभी को जल्द बिजली व्यवस्था सुधारने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन बिना किसी कारण, सबूत और प्रमाण के कांग्रेस विधायक पर BJP के दबाव के कारण FIR कराई जाती है। लेकिन जनता सब समझ रही है और कांग्रेस विधायक लगातार जनता की सेवा में लगे हैं। सरासर ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। गांव बड़ा है, 300 से ज्यादा लोग वहां रहते हैं और वहां बिजली नहीं है, ट्रांसफॉर्मर नहीं है। ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री ग्वालियर से हैं, उन्हें उनके पास जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी उसी क्षेत्र में रहते हैं, वहां न जाकर कांग्रेस पार्टी के विधायक के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने MPV के इंजीनियर से बात की और ये कहा भी कि आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा, आपके यहाँ बिजली नहीं है, बिजली पहुंच जाएगी। लेकिन उनको
कहीं ना कहीं से भड़काया जा रहा था और एक साजिश के तहत उनको भेजा गया था और बिना किसी कारण, बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के कांग्रेस पार्टी के विधायक के ऊपर FIR कर दी जाती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ED, CBI, इनकम टैक्स से पहले से ही डराया जा रहा था। अब वहां बात नहीं बनी तो अब फर्जी और झूठी FIR भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण कराई जा रही है, लेकिन जनता सब समझ रही है और कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने क्षेत्र में जनता की सेवा में 24 घंटे दिन रात लगे हुए हैं। बहरहाल कांग्रेस पूरे मामले में षड्यंत्र के तहत कांग्रेस विधायक को फंसाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं BJP कांग्रेस विधायक पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की पैरवी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ जमानती धाराओं में पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस विधायक पर महिलाओं से अभद्रता और मारपीट करने के जो गंभीर आरोप लगे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को जनता की नजरों में धूमिल कर रहा है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।